वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हैंड फ्री के बारे में समझाने जा रहा हूँ। वैसे तो चाइना मोबाइल में हैंड फ्री का फॉल्ट हमें आता है, तभी हम तो ज़्यादातर रिपेयर भी नहीं करते और आता भी नहीं है। मैं आपको इसमें जो लोगो आता है वो हम जो रिपेयर करते हैं, जम्पर मार के रिपेयर करते हैं। मैं आपको वो आज डीपली करके समझाऊँगा कि इनका वर्किंग कैसे और जो लोगो आता है वो किस पॉइंट की वजह से और क्यों आता है। और मेन बात दोस्तों, जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें भी सेम ही वर्किंग रहता है, सिर्फ जो है माइक का थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है। इसमें एक माइक की भी पॉइंट रहता है और स्पीकर का भी पॉइंट रहता है। स्पीकर का प्लस माइनस दोनों इस हैंड फ्री में समाया जाता है और माइक का प्लस का जो असेंबल इससे कनेक्ट रहता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पे। बाकी जो हैंड फ्री का लोगो आता है वो कुछ हैंड फ्री का लोगो चाइना में भी सेम है और जो एंड्रॉयड है उसमें भी सेम है। पहले आपको ये समझना होगा, यहाँ पे जैसे हम हैंड फ्री लगाते हैं तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट नॉट कनेक्ट रहता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पांच कनेक्टर है, यहाँ पे एक नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ होता तो उनका भी कनेक्शन नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो इसका भी कनेक्शन नहीं रहता है, मगर जब हम हैंड फ्री लगाते हैं तो इनका कनेक्शन हो जाता है, इनसे ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं जब हम हैंड फ्री लगाते हैं। अभी तो यहाँ पे हम आप दिखाते हैं, तो दोस्तों अभी देख रहे हो यहाँ पे कोई बीप का साउंड नहीं है। जब भी हम इनको अंदर डालेंगे हैंड फ्री को, तब यहाँ पे आपको बीप सुनाई देगी। अभी देख रहे हो यहाँ पे अभी बीप सुनाई दे रही होगी। अब जब ये ख़राब ही होता है तभी यहाँ पे इस मसला होता है। और लोगो जो आता है, मैं बात कर रहा हूँ लोगो की, यहाँ पे इस जगह पे जो इनका कनेक्शन रहता है, एक कोयल रहती है, एक कैपेसिटर रहता है। कैपेसिटर जो रहता है, एक कनेक्शन रहता है ग्राउंड से, एक इनसे होता है। उसके बाद कोयल रहती है, इनका कनेक्शन यहीं पे ही है, सब यहीं पे कैपेसिटर रेजिस्टर, ये जो एरिया है सब इनका हैंड फ्री का है। कोयल जो रहती है सीरीज में वो जाती है पावर आईसी में, ये चली जाएगी लाइन पावर आईसी में, एक पॉइंट बन जाएगा, वो पॉइंट जाएगा आईसी में। उसके बाद ये जो सामने वाली है इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है, इसमें एक सीरीज में कैपेसिटर शायद हो सकता है। उसके बाद ये भी आईसी में चले जाती है लाइन, बाकी इसमें कोई और ज़्यादा कंपोनेंट लगे हुए आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद नीचे जो रहता है ये वाला, इसमें दो कैपेसिटर एक कोइल रहती है, या तीन कैपेसिटर दो कोइल रहती है, मोबाइल के हिसाब से जैसा मोबाइल वैसा जो है काम रहता है। तो तरीका जो होता है कुछ ऐसा होता है, कैपेसिटर जो होता है ग्राउंड होगा एक, ठीक है, एक कोइल आ गई, उसके बाद ये जहाँ पे लिखा हुआ रहता है, उसके बाद सीरीज में आएगा आपका कैपेसिटर, सीरीज में लगा हुआ रहता है। उसके बाद पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट जाएगा पावर आईसी में। उसके बाद ये जो मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, इसमें जो कनेक्शन रहता है लोगों का मसला यहीं पे आता है, और यहीं पे वैल्यू भी आती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू भी आती है, जैसे कि मैं आपको दूसरों में दिखाऊंगा उसमें वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू आ रही है, अभी यहाँ पे जो है वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये ग्राउंड है और यहाँ पे तीनों पे वैल्यू नहीं आ रही है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसमें ही जो है लोगों का मसला आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे जो है लोगो आ जाता है। अभी इसमें जो ये कैपेसिटर रहता है, ये जब शॉर्ट हो जाता है तो लोगो आ जाता है। इसको रिमूव करोगे तब भी ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक कॉइल रहती है, कॉइल के बाद ये जाता है रजिस्टर में, रजिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे देख रहे हो ये 2K का होता है, यहाँ पे 1.5K का है, तो कोई मसला नहीं है, 1.5 से लेकर 2 का होता है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बीप करके सुनाता हूँ। यहाँ पे एक साइड पे, यहाँ पे देख रहे हो बीप आ रही है, और ये उसके बाद एक रजिस्टर में चला जाता है, एक कैपेसिटर में चला जाता है, उसके बाद ये आईसी में चला जाता है। और यहाँ पे जो सैंपल रहता है ऐसा लोगों का, वो रहता है इस पॉइंट पे, और ये जो कनेक्शन रहता है ये ग्राउंड रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर इस कैपेसिटर का ही फॉल्ट रहता है। ये कैपेसिटर आप जब चेक करोगे तसली से
तो आपको जो है इस प्लस वाली लाइन से भी कनेक्शन नहीं देना पड़ेगा, और जो है आपको कोई वैल्यू वाली पॉइंट को ग्राउंड से भी कनेक्शन देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप ये इस लाइन को ट्रेस करोगे, कोई भी कंपोनेंट्स ख़राब होगा उनको आप रिमूव कर लो, आपकी हैंड फ्री नहीं चलेगी, मगर आपका जो लोगो है वो मिट जाएगा। मगर फिर भी आपसे ये काम नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ इस पॉइंट को देखना है वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। जिस पॉइंट पे वैल्यू आए उस पॉइंट को आपको जो है उस बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट कर लेना है, सिंपल आपका लोगो चल जाएगा, आपका जो फॉल्ट है वो रिपेयर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो में आपको सीखने को कुछ मिला होगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।